प्रभु ने ये जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। प्रभु की दया से आज हमारे बीच ठेठ बिहार से ही एक वक्ता आए हैं, भाई जितेंद्र। इनका नाम मैं 10 बार लेता हूँ तो कम से कम 11 अलग अलग नाम बोलता हूँ, अब मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाता, याददाश्त की समस्या है। आप जानते हैं कि मैं पैदाइश से केरल का हूँ, लेकिन मेरी संस्कृति, मेरी भाषा और मेरा दिल उत्तर भारत में है। इसी कारण भाई जितेंद्र से जब मेरी मुलाकात हुई, पता नहीं कैसे मुलाकात हुई, मुझे याद भी नहीं आता है, लेकिन अचानक मुलाकात हो गई, अचानक बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गए। मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध किया गया कि वे संदेश सुनाएं, तो आज आकर भाई जितेंद्र अपना संदेश सुनाएंगे। पहले भाई अपनी गवाही हमको बताएंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में एक नया जीवन और एक नई खुशी पाई, और उसके बाद प्रभु के वचन से आज प्रभु का वचन जो पवित्र आत्मा ने हमारे लिए रखा है वो वचन हमको सुनाएंगे। भाई जितेंद्र, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम आज उस जीवित परमेश्वर के बारे में कुछ और बातें जानें। वो क्या है और वो कौन है और वो कैसा परमेश्वर है, इस ये बातों को हम थोड़ा समझने पाए। आइए परमेश्वर का पवित्र वचन को हम ले और एक बार उसको थोड़ा मनन करें। मेरे साथ निकालिएगा मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और वो 46 पद, मरकुस 10:46। इसमें भी, यहाँ भी हम पढ़ते हैं, एक मनुष्य है जिसको मेरे जैसा ही जीवन में परिवर्तन आ गया है। उस मनुष्य के बारे में मैं आपसे बात करना चाहते हैं, और मैं आशा रखता हूं इस वचन के बाद मैं आपसे एक प्रतीक्षा चाहूंगा, क्या वाकई में ऐसा एक परिवर्तन आप चाहते हैं? प्रभु आपको मदद करे, आपको सहायता करे। मरकुस 10:46 से थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे 52 तक। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 46 पद से पढ़ेंगे। ओ नया नियम में जाइए, हाँ, मत्ती के बाद मरकुस किताब आते हैं। सो जिनको मिला है तो थोड़ा पढ़िएगा। मैं पढ़ाई देता हूँ। हाँ, 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 यस। पेज 69 पे है, 46 से लेकर 52 में आए। ओके। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़, हाँ, यरीहो से निकलते थी, तब भाई का पुत्र, हाँ, बरतिमाई एक अंधा भिखारी, हाँ, सड़क के किनारे बैठा था। हाँ, ओके, रुकेंगे रुकेंगे, हम लोग एक एक करके अब पढ़ते जाएंगे। आपने निकाल लिया है, मैं पढ़ते जाऊंगा और मनन करते जाएंगे। बैठ जाइए भाई, धन्यवाद आपको। वहां हम पढ़ते हैं, वे यरीहो में आए हैं। कौन आए हैं? कौन यरीहो में आए हैं? प्रभु यीशु मसीह। मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, अभी थोड़ा देर पहले अंकल बताया, एक भाई इधर आया है, एक भाई इधर आया है, यानी इधर आने से पहले मैं कहीं और था। कहाँ था? अपने देश में, अपने राज्य में। मैं बिहार में था और बिहार से चल के आपके बीच में आया है। यहां पर लिखता है यीशु मसीह यरीहो में आया है। प्यारों, ये यीशु मसीह यरीहो में आने से पहले कहीं थे, तभी तो यहां आए हैं। इसका एक और मतलब आप निकाल सकते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, दुनिया का निर्माण करने वाला परमेश्वर, आपको और मुझको बनाने वाला परमेश्वर, आपको और मुझको जीवन देने वाला परमेश्वर, वो सृष्टि का मालिक जिसने आपको जीवन और सांस दिया है, वो सृष्टिकर्ता ईश्वर एक दिन स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी में आया है करके हम यहां पर देखते हैं। और जब वो पृथ्वी में आया है, घूमते घूमते यरीहो एक शहर में भी
पहुंचा है। प्यारों, एक दुर्भाग्य की बात है, दुनिया क्या करती है मालूम है, आज दुनिया ईश्वर को ढूंढ रहा है, ईश्वर को खोज खोज के दूसरे जगह जा रहे हैं, है कि नहीं। हम और आप कई वर्षों से परमेश्वर कहां मिलेगा, हमारा सृष्टिकर्ता ईश्वर, हमें जन्म देने वाला, हमें जीवन देने वाला ईश्वर कहां मिलेगा करके हम ढूंढते फिरते हैं। प्यारों, हम खोजते फिरते हैं। यीशु मसीह का फर्क आज आपको समझ में आएगा। प्यारों, हम जिसको ढूंढते थे, हम जिसको खोजते थे, हम जिसके लिए यत्न करते थे, कष्ट उठाते थे, त्याग करते थे, व्रत रखते थे, दान करते थे, पूजा याचना करते थे, कैसे भी करके सृष्टिकर्ता मुझे मिल जाए, परंतु अभी तक मिला नहीं था। कारण यही था, दुनिया ईश्वर को खोज रहा है, यहां ईश्वर इंसान को खोज करके पृथ्वी में आया। हमारा प्रभु का फर्क आपको समझ में आया होगा। हम और आप क्या किया है, ईश्वर को ढूंढा है, लेकिन यीशु मसीह ने इंसान को ढूंढ करके खुद आपके और हमारे बीच में आज से 2000 वर्ष पूर्व आया है। प्यारों, यहां पर पढ़ते हैं, वो जब यहां आया, यरीहो में आया, वहां तीन प्रकार के लोगों को दिखाया गया है। कौन कौन है, जब वह और उसके, पढ़िए वहां क्या लिखता है, जब वह और उसके, नहीं 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 नहीं, वो फर्स्ट 46 में ही हम अभी हैं। वे यरीहो में आए, उसके बाद जब वह और उस वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़, तीन प्रकार के दृश्यों को दिखाया गया है ना। वह है, वह मीन्स सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सृष्टि का मालिक है, और दूसरा है उनको मानने वाले, उनके अनुयायी हैं, उनको कहते हैं चेला। चेला कौन होता है, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 8:31, इधर हाथ रखेंगे, वापस हमको यहाँ आना है। यूहन्ना 8:31 थोड़ा पढ़ लीजिए तो पता चलेगा चेला कौन होता है। यहाँ लिखता है कि वह और उसका चेला, तो ये चेला कौन हो सकता है। यूहन्ना 8:31 पढ़िएगा। हाँ, मैं पढ़ता हूं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे, कौन चेला हो सकता है, कौन चेला हो सकता है यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास किया है और जो उसके वचनों पर चलता है अपना जीवन को, वो है उनका चेला। सो यहां पर यीशु मसीह है और उनका चेला है, और फिर एक दूसरे लोगों के बारे में बताया जाता है, वो क्या है, एक बड़ी भीड़ है। इस भीड़ को अलग रखा गया है, यीशु मसीह और चेलों को एक साथ रखा गया है और एक बड़ी भीड़ को रखा गया है। प्यारों, ये बड़ी भीड़ कौन है, ये बड़ी भीड़ वह है जो अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से ईश्वर को तो ढूंढ रहे हैं परंतु ईश्वर तक पहुंच नहीं रहे हैं, ईश्वर के पास जाने रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जीवन के कर्ता के पास पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे स्थानों में यीशु मसीह और उनके चेले पहुंच गया है। बड़ी भीड़ इस दुनिया को आप देख सकते हैं, यह दुनिया आज आपको भीड़ के समान दिखाई पड़ेगा। इस दुनिया का भीड़ ऐसा है जिनके पास सृष्टिकर्ता नहीं है, जिनके पास ईश्वर नहीं है बोलने के लिए, जिनके पास जीवन देने वाला मालिक नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं। प्यारों, सो यहां पर जब तीन प्रकार के लोगों को देखा गया, एक तो सृष्टिकर्ता मालिक है, दूसरा उनका चेला है, तीसरा एक भीड़ है। भीड़ वह है जो पापी है और नरक के योग्य है। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है वो दंड के योग्य ठहराया गया है। प्यारों, हम जानते हैं हमारी एक दिन मृत्यु अवश्य है, जो इस दुनिया में आए हैं एक दिन मरना अवश्य है। जब हम मर जाएंगे, एक और पद थोड़ा सा पढ़ लीजिए जल्दी में, मैं वापस आना चाहता हूं। सबोपदेशक पुराना अध्याय में है, पुराना नियम सबोपदेशक 12:7 थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद जल्दी वापस आ जाएंगे हम यहां पर। सबोपदेशक भजन संहिता के बाद है, 12:7 पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखते हैं,
मुझे जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे तो मैं आगे जा सकता हूँ। सो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग निकालिएगा, वहाँ देखिएगा बाद में भी जाके, सब उपदेश 12 का 7 में ऐसा लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगा। मिट्टी ज्यों के त्यों कहाँ मिलेगा? प्यारो, हम मनुष्य, हमारे अंदर तीन प्रकार की चीजें हैं, एक शरीर है, दूसरा प्राण है, तीसरी आत्मा है। यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। कितनों भी आप इसको प्यार कर ले, कितनों भी इसको सजा ले, कितनों भी इसको आनंदित कर दे, कितनों भी इसको सुगंधित कर दे, परंतु ये एक दिन क्या होने वाला है? एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। जिस दिन हमारा इस शरीर से आत्मा प्राण मर जाएगा और आत्मा शरीर को छोड़ देगा प्यारो, उस दिन इस बॉडी का, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं होगा। जो आज आपको देख के प्यार करते हैं, जो आज आपको देख के गले लगाते हैं, कल वही लोग इस शरीर को आपको अलग ले जाके दफन कर देंगे। सो परमेश्वर का वचन बताते हैं, मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु एक चीज है, कई बार लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन में कुछ है ही नहीं। अगर कुछ नहीं है तो प्यारो, आपको मरने से डर क्यों आता है? आप क्यों डरते हैं मरने से? यदि मृत्यु के बाद जीवन का अंत हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। डर किसको है? हमारे अंदर जो आत्मा है उसको पता है, जिस दिन इस मरणहार शरीर से अलग होंगे उस दिन हमारा एक न्याय होगा। इब्रानियों के पत्री में लिखता है, एक बार मनुष्य को मरना और उसके बाद न्याय का होना हर एक मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया है। प्यारो, आपके लिए, हमारे लिए एक न्याय ठहराया गया है। आप परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते हैं। आप सोचते होंगे हम दुनिया के अदालत से बच गए हैं, ईश्वर हमारे लिए पाप को अनदेखा कर देगा और हम बच जाएंगे। नहीं प्यारो, अगर आप पापी है, आप परमेश्वर के न्याय के सामने बच नहीं सकते हैं। ऐसे एक व्यक्ति को यहाँ पर देखते हैं, जब हम वापस आएंगे मरकुस 10 का 46 में, हम वहाँ पढ़ते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति है, तिमाई का पुत्र, उसका नाम बरतिमाई है। वह क्या है? वह एक अंधा है। क्या है? अंधा है। प्यारो, अंधा का अर्थ समझ में आएगा, जो जन्म से अंधा होगा, दुनिया में तो आया है लेकिन इस दुनिया को सही तरीका से समझ नहीं पाया है, इस दुनिया के रंगीन तरीका को समझ नहीं पाया है, इस दुनिया के सजावट को समझ नहीं पाया है, इस दुनिया के तरीका को समझ नहीं पाया है, क्योंकि वो जन्म से अंधा है। प्यारो, कई बार यही हालत आपका और हमारा भी है। हम कहाँ से आए हैं और हमारी मंजिल कहाँ है, इस बात को यदि आप और हम नहीं सोचते हैं, हम आत्मिक अंधे हैं। हम एक दिन मर जाएंगे और हम अंधापन हो करके इस दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमको आत्मिक अंधा के तौर पर नहीं रखा था। पाप हमें आत्मिक अंधा बनाया है। पाप में मनुष्य गिरने के कारण आत्मिक अंधा हो गया है। यहां पर पढ़ते हैं, एक अंधा सड़क के किनारे क्या करता है? भीख मांगता है। प्यारो, आज मनुष्य का अवस्था भी ऐसा ही है। मनुष्य को मालूम है कि वो आत्मिक अंधा है, ईश्वर को रहते हुए भी ईश्वर से मिल नहीं पाता है, ईश्वर के नजदीक समा नहीं पाता है, ईश्वर के नजदीक जा नहीं पाता है, और वो दूसरे जगह हो जहां ईश्वर है ही नहीं, ऐसे जगहों में अपने जीवन का भीख मांगते हैं। प्यारों, अलग अलग जगहों में ईश्वर को भीख मांगते हैं लोग, माथा टेकते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई धन के लिए, दुनिया के भौतिक बातों के लिए आज इंसान ईश्वर से भीख मांग रहा है। ये अंधा के जैसे आज आपका और मेरा भी जीवन था। प्यारो, हम आत्मिक अंधापन थे, हमें ईश्वर साथ होने के बावजूद भी ईश्वर दिखाई नहीं देता था, हम भटके हुए थे। सो यहां पर उस अंधा को एक दिन एक बात पता चल गया है। क्या पता चला है? 47 पढ़िएगा, वह सुन करके कि यीशु नासरी इधर से जा रहा है, वह क्या करने लगा है? वो क्या करने लगा है? पुकारने लगा है, चीखने लगा है, चिल्लाने लगा है। क्या चिल्लाया है? हे दाऊद की संतान, यीशु मसीह मुझ पर क्या कर दे? दया कर दे, मुझ पर रहम कर दे। प्यारो, इससे बड़ी बात क्या है
कि हम टूटे हुए हृदय से उस सृजनहार परमेश्वर को एक बार दिल की गहराई से हम पुकारे उसको, हम पूछे उससे क्या हम दया के लायक हैं, क्या हमारे पाप हमारी क्षमा के योग्य हैं, क्या परमेश्वर आप हमारे सारे गुनाहों को भूल करके हमको फिर से गले लगाने के लायक आप बना सकते हैं। प्यारो, इस अंधा ने एक बात तो जान लिया है, दुनिया में शायद हमें कोई सड़क के किनारे बैठने वालों को मदद कर सकता है, वो हमें एक दिन की रोटी खिला सकता है, कुछ पैसे हमको दे सकता है, लेकिन हमारा जिंदगी का जरूरत हमें पूरा नहीं कर सकता। इस अंधा के लिए सबसे जरूरी क्या है? पैसा मिलना, रोटी मिलना, अच्छा वस्त्र मिलना, या इसके जीवन की समस्या को दूर होना? क्या आवश्यकता था इसके? प्यारो, ये रोज सड़क के किनारे बैठा है, भीख मांगते हैं, रोज इसकी आवश्यकता पूरी किया जाता है, परंतु एक ऐसी आवश्यकता है जो आजीवन उसका पूरा नहीं हो रहा है, वो क्या है? उसको देखना है इस दुनिया को, उसको एक अपने आंखों से इस ईश्वर को देखना है जिसने उसको जन्म दिया है, उसके बारे में उसको समझना है, वो समझ नहीं पा रहा है। प्यारो, उसको एक बात पता चल गया है, आज सृष्टिकर्ता मेरे नगरों से गुजर के जा रहा है, आज सृष्टिकर्ता मेरे नजदीक आ गया है, आज दुनिया को बनाने वाला मालिक मेरे समीप आ गया है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है? उसने अपना आपा खो दिया और वो क्या करने लगा? चीखने लगा, चिल्लाने लगा, वो यही कहने लगा, हे यीशु मसीह, दाऊद की संतान, मुझ पर भी क्या कर दे? दया कर दे, रहम कर दे। प्यारों, एक टूटा हुआ हृदय से पुकार परमेश्वर सुनता है, एक गिरा हुआ हृदय से पुकार परमेश्वर सुनता है, एक घमंडियों का पुकार परमेश्वर कभी सुन नहीं सकता है। लेकिन अगर आप पापी है, अधर्मी है, आप अपने पापों को स्वीकार किया है, अगर आप मान लिया है मैं ईश्वर के सामने सजा के हकदार है, फिर भी वो चाहे अगर मैं उसके सामने गुनाह कबूलूं, उसके सामने माफी मांगूं, वो हमें क्षमा करने योग्य है। प्यारो, यहां पर हम पढ़ते हैं उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में पूर्ण महिमा दिया। क्यों महिमा दिया? इसराइल देश में ये रहता था और इसराइली लोग दाऊद को सबसे महान राजा करके अपने जीवन में मानते थे। प्यारो, दाऊद से बड़ा उनके जीवन में और कोई राजा था ही नहीं। वो बताया है, परम प्रधान परमेश्वर, आप दाऊद के संतान से आया हुआ, आप ऊंचे कुल से आया हुआ श्रेष्ठ परमेश्वर, आप ही दुनिया का मालिक है, अगर आप दया नहीं कर सकते हैं तो कौन मुझ पर दया करेगा? प्यारो, क्या यही हालत आपका और मेरा नहीं? आप भले धनवान हो, भले हुनरमान हो, भले आप काबिलियत रखते हो, भले आप बुद्धिमान हो, लेकिन एक दिन जब परमेश्वर का समस्या, एक दिन जब आप मुसीबत के सामने सामना करेंगे, उस दिन आप भी यही चीखेंगे, अगर कोई ईश्वर है तो मुझ पर क्या करो? दया करो। प्यारो, इन्होंने ये जब चिल्लाया है, तब 48 को थोड़ा पढ़िएगा, क्या पढ़ते वहां पर? बहुतों ने उसको क्या कर दिया है? सटअप किया है, ए चुप हो जाओ, हाँ बस 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 बस, बहुतों ने उसको डांटा है। प्यारो, एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दुनिया के तमाम बुराई में जीवन बिताए होंगे, समय समय पर बुराई किए होंगे और समय समय पर आप ईश्वर का नाम भी लिए होंगे, आप ईश्वर के सामने जाकर के दान दक्षिणा भी किए होंगे और आप ये सोचे होंगे मेरे सारे पाप और सारे बुराई क्षमा कर दिया गया है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि यदि आप सृष्टिकर्ता के पास आएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। प्यारो, आपका जीवन में परिवर्तन आएगा। प्यारो, जब वो परिवर्तन आएगा, दूसरे लोग उस परिवर्तन को सहन नहीं कर पाएंगे। जब आप यीशु मसीह को अपना लेंगे, जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर आप ग्रहण कर लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दूसरा लोग आपका विरोधी हो जाएगा, दूसरा लोग आपको ना पसंद करने लगेगा, बताएगा ए तुम हमारा देवी देवता को क्यों नहीं माना, तुम हमारे भगवानों को क्यों नहीं माना, अरे तुम यीशु मसीह के पीछे क्यों चला आया है। बहुत लोग आपको निंदा करेंगे, बहुत लोग आपको मजाक करेंगे, बहुत लोग आपको अपमानित करेंगे। प्यारो, यही हाल इस अंधा के साथ हुआ है ना।
ये जब चिल्लाया है, ये जब पुकारा है प्रभु मुझ पर दया कर दे, तो क्या कर दिया है लोगों ने? सेटअप किया है, तुम चुप रहो, चुप हो जा। क्या कहता है पढ़िए वहां, क्या कहता है? चुप हो जा। हाँ, तब वो क्या करने लगा है? दुनिया का हालत यही है प्यारो, जीवित परमेश्वर से आपको दूर करने की कोशिश करेगा लोग, पाप और बुराई में मजा लेने के लिए आपको बताएगा प्यारो, संसार का दृष्टिकोण में आपको दिखाएगा प्यारो। परंतु याद रखिए, एक व्यक्ति यदि यीशु मसीह के राहों पे चल दिया है, उसको दुनिया तौहीन करेगा, दुनिया मजाक उड़ाएगा, परंतु रुकना नहीं। जो रुक गया प्यारो, वो परमेश्वर के सामने झुक गया है प्यारो। यहां पर हम पढ़ते हैं, वो अंधा रुका नहीं, लोगों का अपमान से वो लज्जित नहीं हुआ, लोगों को निंदा से, लोगों को डराने से वो डरा नहीं, वो और भी अपना हिम्मत बढ़ा दिया ना, वो जोर जोर से पुकारने लगा, यीशु मसीह दाऊद की संतान, मुझ पर आप रहम कर दो। अगर आप रहम नहीं करते हैं, दुनिया और कोई हमें रहम नहीं कर सकता है प्यारों। हम आगे पढ़ेंगे, हाँ, तब बस बस बस, एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, एक बहुत बड़ी बात है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के राहों में बढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में ग्रहण करेंगे, जब उसका लायक अपना जीवन को जीना शुरू करेंगे, याद रखिए, दुनिया आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा, दुनिया आपको निंदा करना शुरू करेगा, अपमान करना शुरू करेगा। लेकिन जब उस अपमान को आप सहते हुए आगे बढ़ जाएंगे, आपके लिए एक सृष्टिकर्ता ईश्वर ठहरने योग्य है, वो आपका दर्द, आपकी आवाज सुनने योग्य, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो आपके आवाज को सुनता है, आपका तकलीफों को जानता है, वो आपका समस्या जानता है, आप उसके नजरों से छिप नहीं सकते हैं, वो आपका हर परिस्थिति में ख्याल करता है। इस अंधा को बहुतों ने डांटा है, तुम उसका नाम लेने लायक नहीं है, तुम तो निम्न है, तुम तो भिखारी है, तुम सृष्टिकर्ता का नाम कैसे ले सकता है, तुम सृष्टिकर्ता के पास कैसे आ सकता है, तुम चुप रहो, तुम वहीं बैठे रहो। लेकिन इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा, उसने कहा, प्रभु आप नहीं सुनेगा तो दुनिया मेरे लिए विपरीत है, कोई नहीं सुनेगा। और तब हम देखते हैं उसकी पुकार किसने सुन लिया, उसकी पुकार किसने सुन लिया? प्रभु यीशु मसीह ने। प्यारो, अगर आप सच्चा हृदय से यीशु मसीह को पुकार करके देखिए, जिस प्रकार मैंने 18 साल पहले प्रभु को पुकारा है, उसने मेरा जीवन को सुन लिया है प्यारो, मेरे जीवन को बदल दिया है। आपका जीवन में कोई भी बड़ा बातें हैं, आपका जीवन के कितनी भी बड़ी पाप क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह के सामने आकर के आप घुटना टेकते हैं, उसके सामने अंगीकार करते हैं, वो आपको सुनने योग्य परमेश्वर है, वो सुन लेगा और आपके लिए ठहर जाएगा, आपके लिए वो रुक जाएगा, आपके लिए वो फिर से अपना महिमा प्रकट करना शुरू कर देगा। वो क्या किया है? यीशु मसीह वहां ठहर गया है। आगे पढ़िएगा जल्दी में, वहां पर प्रभु ने क्या कहा है? उसे क्या करो? बुलाओ। एक बात इसको समझिएगा, ये अंधा वहां से चिल्ला रहा, वो बात यीशु मसीह सुन लिया, तो यीशु मसीह चाहिए तो डायरेक्ट भी बोलता ना, ये अंधा तुम ही मेरे पास चले आओ, ऐसा कह सकते थे ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? उसे, तो किसको बोल रहे बुलाने के लिए? किसको बोल रहे बुलाने के लिए बताओ? जिन लोगों ने अंधा को सताया था, जिन लोगों ने सेटअप किया था, एक तू परमेश्वर के सामने जाने लायक नहीं है, तुम सृष्टिकर्ता के नजदीक नहीं आ सकता है, तुम्हारा पाप तो भारी है, तुम्हारा जीवन तो खराब है, तुम्हारा जीवन तो बुरा है, तुम सृष्टिकर्ता के पास नहीं जा सकते हो। जिन्होंने उनको निंदा किया, अपमान किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसी को क्या कहता है? तुम क्या करो? उसको बुला के मेरे पास लाओ। तो अभी कौन बड़ा है? ओ, पढ़िए उसके नीचे क्या कहता है वो, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। जिन लोगों ने सेटअप कराया, जिन लोगों ने उसको निंदा किया, वही अभी जाके कहता है, चलो मेरे मालिक, तुमको मेरा सृष्टिकर्ता बुला रहा है, तुमको मेरा प्रभु तुमको बुला रहा है। अभी कौन बड़ा है? अंधा बड़ा है या सेटअप कराने वाला बड़ा है? कौन बड़ा हो गया? अभी अंधा को आदर के साथ बुलाने वाला
व्यक्ति नीचे हो गया है, अंधा भरा है। प्यारो, ये हमारा जीवन का हाल है। आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह के साथ आप कदमों लेकर के चलेंगे, विश्वास का जीवन आप जिएंगे, प्रभु आपको हर परिस्थिति में जो आपको निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, सताने वालों के सामने आपको बढ़ा देगा। प्यारो, आपको ऊंचा कर देगा, आपको महिमा के साथ आपको संभाल के रखेगा। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जैसे उसको यीशु मसीह मिल गया है, इस अंधा को उसने क्या कर दिया है, पढ़िएगा, वो क्या कर दिया है वहां पर, मुझे बताइए कि परमेश्वर मिल गया है तो उनको कपड़ा फेंकने की क्या आवश्यकता है, क्यों उन्होंने कपड़ा फेंक दिया है, बता सकते हैं क्यों वो कपड़ा फेंका है? क्योंकि उनको एक बात पता चल गया है, जगत का उद्धार करता मालिक मेरे पापों को क्षमा किया है, मैं शुद्ध हो गया हूं। मैं, आप एक बात बताइए, अंधा वो कहां बैठता था, सड़क के किनारे। सड़क के किनारे बैठने से उसका कपड़ा बहुत साफ होगा क्या, उसका कपड़ा मलमल का होगा क्या, उसका कपड़ा सुगंधित होगा क्या? नहीं, उसका कपड़ा धूल और गंदगी से भरा हुआ था। जिसके जीवन में यीशु मसीह आते हैं, उनके जीवन के तमाम पाप और बुराई इसी प्रकार से दूर हो जाते हैं। प्यारो, उसने समझ लिया है, दुनिया का सृष्टि करता है परमेश्वर मुझे मिल गया। उसने अपने सारे गंदे वस्त्र उतार दिए हैं। प्यारो, प्रभु आज आपसे चाहता है, आपका जीवन का कोई भाग में अगर ऐसे एक गलतियां हैं जिससे लगता है कि हम सनातन ईश्वर के समीप गुनहगार आज भी है, हम पाप के लायक हैं, हम इस बुराई को छोड़ नहीं पाते हैं, आप प्रभु के नजदीक आइए। प्यारो, आपको प्रभु उस पाप से छुटकारा देगा, आपको उस पाप से क्षमा करेगा। आप उसके करीब आइए। इस अंधा जब उसके करीब आया है, उसके तमाम पाप उसके जीवन से छूट गया है, वो धूल में पड़ा हुआ, गंदगी में पड़ा हुआ कपड़ा उतार डाला है। प्यारो, जीवन का हाल हमारा यही है। प्यारो, अगर आप सच्चा परमेश्वर से मिलते हैं, आपका पाप क्षमा किया जाएगा। और तब हम यहां पर देखते हैं, वो जब अपना कपड़ा फेंक दिया है, तब प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, क्या वो नहीं जानते थे कि ये अंधा क्या चाहता है? वो जानते थे, लेकिन वो अंधा के मुंह से सुनना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह को सब पता है, आपका भूत, वर्तमान और भविष्य सारा चीज उनको पता है। प्यारो, आप उनके नजरों से छिप नहीं सकता है, आप उनके सामने से कोई गुनाह छिपा नहीं सकता है। बेहतर यही है हम उनके सामने आकर के हृदय खोल के माफी मांग ले, और हम उनसे कहे, प्रभु मैं तो एक अदना मनुष्य, मैं धूल में पड़ा मनुष्य, मैं मिट्टी में मिलने वाला मनुष्य, मेरा क्या औकात प्रभु, आप मेरे जीवन में तरस खाइए, मुझे इस भर्ती माई के समान आनंदित मनाइए, एक आनंदित जीवन दे दीजिए, एक बदला हुआ जीवन दे दीजिए। जिस बात से जीवन भर ये तरस है, उसका जीवन को बदलने वाला प्रभु मेरे जीवन को भी बदल दीजिए। उसने क्या कहा, वो पढ़िएगा, 51 थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हाँ, हाँ, तेरे लिए क्या करूं? उस अंधे ने उसे क्या कहा? अंधे ने उसे कहा, अंधे ने इतना ही कहा, हे प्रभु मेरे जीवन का सबसे बड़ा बात यही है कि मैं देखने लगूं, मैं दुनिया को देखना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं ये जानता हूं मैं जीवन भर यहां पर एक अंधेरे का जीवन संसार में आके बिताया है, मेरे लिए सृष्टिकर्ता आप ही है, आप मुझे पुनः से जीवित कीजिए। प्यारो, ये सच्चाई आपके जीवन से आज प्रभु बात करता है। एक बदला हुआ मनुष्य को आप यहाँ खड़ा देख सकता है, एक बदला हुआ मनुष्य को बाइबल में आप देख सकता है, क्या एक बदला हुआ जीवन आप बिता सकते हैं? क्या यीशु मसीह के सामने अपना जीवन को इसी प्रकार बदल सकते हैं? वो धर्मी परमेश्वर है, वो आपको पाप से क्षमा करने योग्य परमेश्वर है। प्यारो, इस सच्चाई को आप स्वीकार करें। दिया हुआ समय के लिए हम
प्रभु को धन्यवाद करते हैं और यहाँ के मंडली को सारे सदस्यों को धन्यवाद देते हैं। आपने इन शब्दों को सुना, आप एक बार विस्तर में जाएं तो जरूर इस विचार को कीजिएगा, मेरा जीवन आखिरी में किसके हाथ में है। क्या मिट्टी तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा किसके हाथ में जाएगा। प्यारों, इस सच्चाई को सुनना और समझना आपका जिम्मेवारी है। प्रभु आपको सहायता करे।